गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं उठी और ज़ोरों की ज़ोरदार बारिश लगी हुई थी और मैं थोड़ी देर पहले बारिश में नहाई हूँ और इसीलिए इंट्रो करना मैं भूल गई। और देन मैंने ऐसे बारिश की, जब बारिश हो रही थी और तब मैंने ये वीडियो बनाई थी सुबह। तो देखिए कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ लगातार बारिश हुई है और मौसम एकदम बहुत अच्छा हो गया था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ और मतलब बारिश रुकी, तो मैं ऊपर जाके जो है अपने कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए, जो कपड़े धोए हुए थे मम्मा ने। और मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज था भैया का बर्थडे और उनके लिए मम्मा ने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स और टिक्की, जो कि सब कुछ घर पे बना था। और देन हमने इंजॉय किया पिज़्ज़ा जो कि भैया लेके आए थे, बहुत ही मज़ा आया। सो यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं जब ऊपर छत पे आई हूँ ना अपने घर की, और ये देखिए सामने आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे होंगे। वाओ, ये देखिए इधर का, अगर जब कभी वेदर साफ़ होता है ना तो इस तरह से नज़र आते हैं हमारे इधर माउंटेन्स, और मैंने सेकंड टाइम देखे हैं यहाँ पे। वाओ, मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, और उधर सामने माउंटेन्स, क्योंकि हमारे शहर के साथ ही जो है हिमाचल का बॉर्डर लगता है, बहुत ही पास। सो गाइज, आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता होगा कि आगे पीछे हमें बिल्कुल भी माउंटेन्स नहीं नज़र आते, और जब भी मौसम साफ़ होता है तो इस तरह से पहाड़, इतना अच्छा वेदर, और जब यहाँ पे स्नो फॉल होती है वो भी यहाँ से दिखाई देती है। सो खुद देखिए कितना अच्छा वेदर हो चुका है, और कितना पोल्यूशन दुनिया में लोगों ने कर दिया है ताकि ये अच्छे नज़ारे हमें नज़र नहीं आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अभी आज था भैया का बर्थडे, और मम्मी ने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स और टिक्की, जो कि हमने दही के साथ खानी है, दही टिक्की जो चाट बनाते हैं ना वैसे बना के, और रात को हम वही खाने वाले हैं सारा कुछ, और पिज़्ज़ा खाया था। सो अभी गाइस पता क्या हुआ, जब मैं ऊपर आई और मौसम एकदम साफ़ हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और सामने हमारे से ना बॉर्डर लगता है हिमाचल का, और आते ही मैंने इतने खूबसूरत माउंटेन्स देखे यहाँ पे, और देख के ऐसी हैरान हुई ना मैं कि इतना मज़ा आया, ऐसे लग रहा था जैसे किसी हिल स्टेशन पे आई हुई हूँ, और बहुत ज़्यादा उधर का क्लाउड्स वगैरह, एकदम वेदर ब्यूटीफुल था। और मैं थोड़ी देर अपनी सिस्टर से बात की अपनी, और थोड़ी अभी सैर तो नहीं हो पाई क्योंकि सिस्टर से बात करने लगी, रात को शायद मैं सैर करूँगी, और अभी मैं बस आई हूँ वीडियो को एंड करने के लिए। और वीडियो को एंड करने से पहले, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।